ब्रह्मपुत्र पर चीन में डैम बन रहा है, मतलब ये कि उनके हाथों में होगा नदी का रिमोट कंट्रोल। जब चाहेंगे पानी छोड़ेंगे, जब चाहेंगे पानी रोक लेंगे। अगर गर्मी में पानी रुका तो सूखा आएगा, और बारिश के दिनों में अगर पानी छोड़ा गया तो जल प्रलय। ब्रह्मपुत्र पर डैम बन सकता है ड्रैगन का हथियार। ब्रह्मपुत्र पर बांध ला सकता है भारत में विनाश। इसलिए भारत को रहना होगा होशियार। कहने को तो चीन की योजना ब्रह्मपुत्र पर पनबिजली परियोजना लगाने की है, और ऐसी योजनाओं से नदी के जल स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बातें छलावा साबित हो सकती हैं, क्योंकि चीन न सिर्फ पनबिजली परियोजना के लिए ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने में जुटा है, बल्कि उसकी योजना एक बड़े जलाशय के निर्माण की भी है, जिससे वो नहरों की चेन निकालना चाहता है। और अगर चीन की योजना कामयाब हो गई तो भारत के लिए कई दूसरी किस्म की मुसीबतें भी खड़ी हो जाएंगी। अगर चीन सिंचाई के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी को अपनी नहरों में मोड़ देता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को हर साल सूखे का सामना करना पड़ सकता है। ब्रह्मपुत्र पर बांध बना लेने के बाद चीन अपनी जरूरतों के हिसाब से ही पानी छोड़ेगा, और ऐसी हालत में मुमकिन है कि बरसात के अलावा बाकी दिनों में ये विशाल नदी किसी नाले की तरह दिखाई देने लगे। जाहिर है ऐसे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अकाल का खतरा बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर के दो बड़े राज्य असम और अरुणाचल खेती के लिए पूरी तरह से बरसात और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर निर्भर हैं। ब्रह्मपुत्र हर साल बरसात में बाढ़ के पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर अपने किनारों पर छोड़ जाती है। बाढ़ के बाद जब ब्रह्मपुत्र के विशाल किनारे सिकुड़ते हैं तो खेती के लिए बेहिसाब जमीन निकल आती है। अब अगर चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को काबू में कर लिया तो असम और अरुणाचल के किसानों के लिए ये सहूलियत बीते दिनों की बातें हो सकती हैं। इतना ही नहीं, चीन में ब्रह्मपुत्र पर डैम बन जाने के बाद पूर्वोत्तर में पन बिजली की संभावनाओं पर भी बुरा असर पड़ेगा। जाहिर है अगर वक्त रहते भारत ने चीन की साजिश को नाकाम नहीं किया तो आने वाले दिनों में हमें इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।